तो हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं हूं शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इसका नाम है स्पोर्ट एवलिक बैस। जैसे कि आपको सबको मालूम है, मैं यहां पे तरह तरह की बातें करते रहता हूं, क्रिकेट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूं। मेरा यही एक ड्रीम है कि मतलब मेरा नहीं हो पाया क्रिकेट में आगे, पर आपका कुछ हो सके, तो इसलिए मैं बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहता हूं। और बीच बीच में मेरे ट्रैवल ब्लॉग भी रहते हैं, पर अभी तो मेरा ट्रैवल ही बंद है, तो इसलिए वो मैं नहीं कर सकता अभी। तो फिलहाल तो मैं क्रिकेट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा, जैसे कि क्रिकेट न्यूज़ है, क्रिकेट की अपडेट्स जो है, लेटेस्ट अपडेट जो है, वो मैं देने की आपको कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर जो कि मेरा यहाँ पे भाई नया है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना ना भूले। इससे आपको बहुत ही अच्छी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब मैं ऐसे ऐसे वीडियोज आपको सामने बहुत डालता रहता हूँ क्रिकेट रिलेटेड, तो आपको अच्छी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक सब्सक्राइब कर देना जरूर, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जो IPL के अपडेट के बारे में होने वाला है। और यहाँ पे एक अच्छे से एक नई लीग आई है, जो कि मतलब बहुत ही संदेह उठ रहा था मन में कि अभी क्रिकेट का क्या फ्यूचर रहेगा। तो मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो थी मेरे पास, जो कि मतलब अपडेट्स आए हैं, तो वो सारे शेयर किए मैंने। तो आपको अगर वो देखने, तो पहले वो देख लीजिए कि मतलब श्रीलंका ने पहले होस्ट करने के लिए रेडी थे, तो सारे अपडेट्स मैंने वहाँ पे शेयर किए IPL के रिलेटेड। तो अभी एक बहुत ही अच्छा अपडेट सामने आया है, और साथ में एक अच्छी एक लीग वो विंसी क्रिकेट लीग अभी चालू होने वाली है, तो उसी के बारे में आज हम बोलेंगे। तो वीडियो आपके लिए देखते रहना। तो जैसे कि आपको सबको मालूम है कि मतलब यहाँ पे कोरोना का फैलाव बहुत ही बढ़ चुका है, और मतलब इंडिया में खासकर मतलब बहुत ही ऐसे ऐसे जगह है जाने माने, जो कि मतलब पुणे मुंबई जो कि बड़े से सिटीज़ है, तो उनमें बहुत ही फैलाव हो चुका है। तो इसी के बीच अभी मतलब काफ़ी सारा संदेह हो रहा था लोगों के मन में कि IPL के क्या होगा, प्लेटफॉर्म क्या होगा, मतलब कब खेला जाएगा या फिर कहाँ खेला जाएगा और कैसे खेला जाएगा। तो बहुत सारा मतलब यहाँ पे संदेह था। तो बीच में राहुल जोहरी ने अभी ये कंफर्म कर दिया है दोस्तों कि अभी फॉरेन प्लेयर्स को भी अलाउ करने वाले हैं वो लोग IPL खेलने के लिए। और जो IPL होने वाला है वो मानसून के बाद होगा, क्योंकि ये अभी दिमाग से निकाल दो कि IPL होगा या फिर नहीं होगा, बिल्कुल भी IPL अभी 99.9% होगा, फिर भी 0.1% बता नहीं सकते, क्योंकि अभी सिचुएशन ही ऐसी है। पर ऑलमोस्ट वो जो है मतलब अगर IPL खेला गया तो मोस्ट प्रोबेबली खेला ही जाएगा, पर अगर खेला गया तो फॉरेन प्लेयर्स लेके ही खेलेंगे, थोड़ा सा क्लोज फॉर्मेट में, जैसे कि अभी एक दिन में एक ही मैच होता था, तो अभी दो मैच तीन मैच कुछ तो करेंगे ऐसा वो बोले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत ही अपडेट दिया था बीच में कि अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं होंगे तो बिल्कुल भी खेलने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो उनके पास क्योंकि थोड़े से थे फॉरेन प्लेयर्स, तो वो बोले थे कि उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं होंगे तो IPL हम नहीं खेलेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस साल। तो उसी को लेके राहुल जोहरी जो CEO है BCCI के, उन्होंने एक अपडेट दे चुके हैं कि फॉरेन प्लेयर्स भी होंगे और मानसून के बाद IPL होगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया IPL के बारे में। तो बहुत सारा मतलब मन में था कि अगर IPL भी हो गया तो बाकी क्रिकेट का क्या होगा, मतलब जो कि बहुत सारे लीग्स पेंडिंग थे, बहुत सारे टूर्नामेंट्स पेंडिंग थे बीच जो मतलब, तो उनका क्या होगा एग्जैक्टली। तो उसी के बीच में मतलब जो कि अभी एक अपडेट सामने आया है, तो जो विंसी क्रिकेट प्रीमियर लीग जो होती है, T10 लीग होती है वो, तो वो अभी आज से चालू होने वाली है दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी सारे टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे, 6 टीम्स है टोटल, और 72 खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं टोटल मिला के। और आज जब पहली मैच होने वाली है तो वो इन दोनों स्क्वाड के बीच में होने वाली है दोस्तों। तो बिल्कुल भी मतलब एक अच्छी इंटरेस्टिंग मैच होने वाली है। और यहाँ पे वैसे ही सवाल आता है मतलब यार, अभी मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक ही दिन में 3 मैचेस होने वाले हैं दोस्तों, और यहाँ पे 22 मई से लेके 23 मई तक ये टूर्नामेंट अरेंज किया गया है, और ये एसोसिएटेड विथ ड्रीम 11 है। तो पूरा मतलब दोनों देख रहे हैं कि कैसे मैनेज किया जाए, क्या मैनेज किया जाए। तो यहाँ पे जैसे कि बता दूँ कि मतलब यहाँ पे हर एक स्क्वाड के लिए, मतलब हर एक टीम के लिए एक सेपरेट रूम दिया जाएगा, तो ये तो बात पक्की है, तो ये तो होने ही वाला था। और ये मतलब एक स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा, एक ही वेन्यू में खेला जाएगा, तो ये भी बात पक्की है। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग का इशू जो था तो वो भी रिजॉल्व हो गया। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे बात की जाए कि मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि ये स्पॉन्सर कौन करेगा, या फिर मतलब ब्रॉडकास्टर कौन है, हम कहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप तो आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों, कि यहाँ पे एक स्टार स्पोर्ट्स या ESPN आप दिखा मतलब वो दिखा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, या फिर एक फैन कोड नाम का एक ऐप है वो इंस्टॉल करके आप मोबाइल में भी देख सकते हो। तो इससे भी आपको एंटरटेनमेंट हो जाएगा दोस्तों, कि मतलब अभी तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स बैक टू नॉर्मल जाने की मतलब थोड़ा सा राह पे है, तो बिल्कुल भी थोड़े दिन में थोड़ा सा सब कुछ नॉर्मल होने के बाद स्पोर्ट्स भी थोड़े से बैक ऑन ट्रैक आएगा जरूर दोस्तों। तो वहां से आपको मतलब जैसे कि पता ही है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में कोशिश कर रहे हैं कि मतलब स्पोर्ट्स चालू हो जाए, तो ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा चालू भी कर दिया है डिफरेंट स्पोर्ट्स, और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच एक सीरीज भी होने वाली है थोड़ी दिनों में ही क्रिकेट की। तो थोड़ा सा मतलब क्रिकेट का जो माहौल है तो वो बैक ऑन ट्रैक आने वाला है दोस्तों अभी आगे के दिनों में।
दोस्तों फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और भी अच्छे से वीडियो आपके सामने आता हूँ इसके लिए। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब मैं ऐसे वीडियो आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।